असलम स्टूडेंट्स कल हमने जो है आपके लेसन नंबर एट से स्टार्ट किए थे बॉडी मूवमेंट्स है कल हमने यहाँ तक पढ़े थे ठीक है आज हम बैक पोन से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे उससे पहले जो है कल हमने क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ स्कल्टन पढ़े थे कितने टाइप्स के थे टू टाइप्स के थे एक्सोस्कल्टन और इंडो फिर हम वो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्कल्टन जो है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केल्टन हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या आता है स्कल रिपकेज बैकबोन लिम्स यानी फोर बेसिक पार्ट है जिसमें स्कल रिपकेज बैकबोन और लिम्स है ठीक है स्कल कल हमने पढ़े थे आज हम पढ़ेंगे बैकबोन अब देखो द बैकबोन और द दिवर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड एंडस इन द पेलविस इट इज़ मेड अप ऑफ थर्टी थ्री स्मॉल रिंग शेपड बोन्टिब्रे बैकबोन जिनको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारी स्कल के बेस से स्टार्ट होते हैं और पेल्विस पे जो है वो एंड होते हैं ठीक है और बैक बोन जो थर्टी बैकबोन जो है थर्टी थ्री स्मॉल रिंग शेपड बोन से बने हैं जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं कार्टिलेज ए टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन दू वि कार्टिलेज एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो कहाँ पे पाए जाते हैं वो टिब्रे के बीच में पाए जाते हैं ठीक है इट इज लाइक ए क्रशन दैट एक्ट एज ए शॉक ऑब्जॉर्बर किसकी तरह है क्रिशन की तरह वो है जो क्या एक्ट करते हैं एज ए शॉक ऑब्जॉर्बर द column कॉलम इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल when वर्टिब्रम इनक्लोज होता है और कौन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल cord ठीक है मैंने पहले भी आपको फंक्शन ऑफ skeleton में हमें पूछा गया था कि backbone को कौन सा पार्ट जो है हमारे बॉडी पार्ट जो है कौन सा पार्ट जो protect प्रोटेक्ट करते हैं तो बैकबोन को जो है स्पाइनल cord प्रोटेक्ट करते हैं अब इसके बाद है केज देर आर टूल्व पेयर्स ऑफ रिब्स ऑल ऑफ दम आर कनेक्टेड टू दर्टिब्रल कॉलम एट द बेग रिप किच टूल्व पेयर्स ऑफ रिप्स है हमारे सब जो है कनेक्ट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से एट द बेक ठीक है टेन पेयर्स ऑफ रिप्स आर कोनेक्टेड टू द फ्लैट ब्रेस्ट बोन कॉल्स टर्नम टेन पेयर्स ऑफ रिप्स जो है कनेक्ट होते हैं टू द फ्लैट ब्रेस्ट बोन ठीक है जिनको स्टर्नम कहा जाता है इससे जो है टेन पेयर्स ऑफ रिप्स जो है कनेक्ट होते हैं ठीक है ब्रेस्ट बोन से जिनको स्टर्नम कहते हैं प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द चेस्ट जो कहाँ पे पाया जाता है हमारे चेस्ट के बीच में ठीक है स्टर्नम कहाँ पे है हमारे चेस्ट के बीच में द लास्ट टू पेयर्स आर ओनली ऑनली दर्टिब्रा एंड नॉट टू लास्ट पे जो है टू पेयर्स ऑफ रिब्स है जो अटैच है सिर्फ वर्टिब्रा से सिर्फ वर्टिब्रा से स्टर्नम से ये अटैच नहीं है दिस टू पेयर्स ऑफ रिप्स और कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स ये जो टू रिप्स है जो सिर्फ वर्ट्रा से अटैच है स्टर्नम से अटैच नहीं है इनको जो है फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं ठीक है ये दोनों हमें दिख रहे हैं ना ये स्टर्नम से अटैच नहीं है सिर्फ सिर्फ से अटैच है जिनको क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं द रिप केज प्रोटेक्ट दर्ट एंड द लंग्स केज जो है हमारे हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं बचाते हैं ठीक है तो ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स है तो टू ट्वेल्व जो है हमारे केज कितने हैं, ट्वेंटी फोर ठीक है इसके बाद है लिम्स दे आर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी हमारे बॉडी में टू पेयर्स ऑफ लिम्स है दर्म्स आर कॉलेट दिम्स आर्म जिनको क्या कहते हैं फोर लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द हिंड लिम्स और लेग्स को क्या कहते हैं हिंड लिम्स ठीक है टू पैर ऑफ लिम्स है एक है आर्म जिनको फोर लिम्स कहते हैं और दूसरा है लेग जिनको हिंड लिम्स कहते हैं ईच लिम कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री बोन हर लिम्स में जो है कितने बोन है थ्री बोन है द अपर आर्म ऑफ द फोर लिम हैज़ वन बोन कॉल्ड द ह्यूमेरस एंड द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड उलना अपर आर्म में जो है फोर लिम के ठीक है यानी यानि हम, हमारे आम के अपर में जो है वन बोन है एक ही बोन है जिनको ह्यूमेरस कहते हैं ये हमारे आर्म है ठीक है यानी फोर लिम ऊपर वाले में जो है ऊपर आम ऊपर वाले ऊपर आर्म में जो है एक ही बोन है जिनको ह्यूमरस कहते हैं और लोअर आर्म में टू बोन्स है टू बोन्स है जिनको रेडियस और अल्ला कहते हैं ठीक है पर पार्ट ऑफ पार अब आप लिम में देखो ये तो हमारा फोर लिम हुआ यानी आर्म्स अब देखो लिम्स यानी लेग्स में जो है तापर पार्ट ऑफ पार लिम हैज़ वन बोन कॉल्ड फ्यूमर ऊपर जो है हमारे अपर पार्ट ऑफ दी हेंडलिम में जो है एक ही बून है जिनको फ्यूमर कहते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट बून इन दी बॉडी याद रखना फ्यूमर जो है हमारे बॉडी का पूरे बॉडी का सबसे लंबा बून है ठीक है द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स कॉल्ड द टीबिया एंड फिब्यूला और लोअर लेग में टू बोन है जिनको जो है टीबिया और फिब्यूला कहा जाता है ठीक है तो ये रहा आपका लिम्स कल जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक यू